Hello, my dear student. Welcome to our channel, Lalita Malviya Gurukul. And today our topic is oligosaccharide. जैसा कि बेटा मैं अपने लास्ट वीडियो में बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन और मोनोसेकेराइड के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है. अब ऑलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के बेस्ट एग्जांपल भी मैंने आपको डिस्कस किए थे उस वीडियो में. अगर आपको समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें. ठीक है बेटा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो उसे आप बार बार देखें, कॉपी पेन लेकर के देखें, प्रैक्टिस करें, साथ में नोट करते चलें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, अब मोनोसेकेराइड के बेस्ट एग्जांपल मैंने उस वीडियो में डिस्कस जो किए थे वो थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, तो गैलेक्टोज. तो मैं आज हम उन छोटी यूनिट्स, वो क्या है, एक स्मॉल यूनिट हो गई कार्बोहाइड्रेट की, है ना, अब हम उसे नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं. मतलब वो सबसे छोटी स्टेप हो गई, उसे नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जिसे हम ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं. ऑलिगोसेकेराइड बेसिकली बेटा उन स्मॉल यूनिट्स. अब मोनोसेकेराइड इसलिए आपको मैंने बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप मेरा वो लास्ट वीडियो देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो मोनोसेकेराइड वो छोटी यूनिट्स हैं, है ना, जिनसे इन ऑलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है. ऑलिगोसेकेराइड इसलिए नाम दिया है क्योंकि इट इज़ अ कॉमन ग्रुप ऑफ डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड अनदर्स. ठीक है, तो ऑलिगोसेकेराइड वो ग्रुप है जिसमें दो और दो से नाइन, है ना, मतलब टू और टू से नाइन तक मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं, है ना, और बॉन्डिंग करते हैं, तो जो सेकेराइड बनता है उसे ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाएगी, फ्यू यहाँ नंबरिंग नहीं दी है बट फिर भी मैं आपको नंबरिंग बता देती हूँ. यहाँ पर आएगा 2 to 9, कितने आएंगे, 2 से 9, है ना. दो जब ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स आफ्टर कंडेंसेशन, है ना, कंडेंस हो करके जब मिलती है तो क्या बनाती है, ऑलिगोसेकेराइड बनाती है. जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, इनके बीच मोनोसेकेराइड्स के बीच बॉन्डिंग होती है, तब ऑलिगोसेकेराइड फॉर्म होता है और उसमें से वाटर इलेमिनेट होता है. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, उसमें से इलेमिनेट, है ना, बाहर निकल जाते हैं. ठीक, अब द यूनिट्स आर लिंक्ड थ्रू एन ऑक्सीजन ब्रिज. जब ये आपस में मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, है ना, वाटर इलेमिनेट होता है, तो जिस प्लेस से वाटर इलेमिनेट होता है वहाँ पर ये एक बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसे ऑक्सीजन ब्रिज इसलिए कहा है क्योंकि इन बिटवीन ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच ये बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसे ऑक्सीजन ब्रिज भी कहा है. बेसिकली इन्हें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है. ठीक है, मतलब मोनोसेकेराइड कंडेंस होते हैं और आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बंधते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑलिगोसेकेराइड का. यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स की संख्या जो है वो 2 to 9 होती है. क्लियर, समझ में आया आपको. अब ऑलिगोसेकेराइड के बेस्ट एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे हैं पर बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए हमें पहले उसके टाइप्स देखने होंगे, है ना. तो जैसा कि मैंने टाइप्स के बारे में कहा आपको, 2 to 9 है, मतलब यदि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हुए हैं, डाइसेकेराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड कंडेंस हुए हैं, ट्राइसेकेराइड, 4 हुए हैं टेट्रा, 5 हुए हैं पेंटा. ठीक है, इस तरह से इसका सिक्वेंस क्या है, आगे तक बढ़ते जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइसेकेराइड को डिस्कस करेंगे बेटा. डाइसेकेराइड का जो मेन बेसिकली फार्मूला जो है वो क्या है, CnH2O ब्रैकेट के बाहर N-1. यहां पर मैं इस फार्मूले में ग्लूकोज आपको मालूम है एक 6 कार्बन कंपाउंड है. ठीक, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां पर हम वो कार्बन की संख्या यदि पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए एन इज इक्वल टू, यानी मैंने 6 लिया है तो क्या हो जाएगा, C6 ब्रैकेट में H2O और 6 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, 1.
तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, C6 और कितने हो गई ये, कितने हो गई ये, 6 - 1 तो 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का हम अंदर एम्बो करेंगे तो 5 × 2 = 10 और O की संख्या 5, तो ये एक क्या हो गया, ये एक मोनोसेकेराइड। क्यों ये मोनोसेकेराइड क्यों कहा मैंने, इसको डाइसेकेराइड क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि ओलिगोसेकेराइड कब बनेंगे, जब मोनोसेकेराइड कंडेंस होंगे, दैट मीन्स कि एक मोनोसेकेराइड का फार्मूला है, ओलिगोसेकेराइड का नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते, अगर होते तो हम क्या लेते, ग्लूकोज की संख्या एन की संख्या क्या लेते, डबल, यहाँ पर क्या रहना पड़ता हमें, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो जाती, 12, यहाँ कितनी हो जाएगी, कार्बन की संख्या 12, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 12, यहाँ 12। अब हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा हमारा ओलिगोसेकेराइड का, देखिए C12, क्लियर, यहाँ पर वही 11 हो जाएगा, 11 × 2 = 22 और 11 × 1 = 11, तो ये हमारा जो फार्मूला आया है, ये जो फार्मूला आया है, बेसिकली ये माल्टोज का फार्मूला है बेटा, किसका फार्मूला है, माल्टोज, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये फार्मूला जो है वो माल्टोज का है, और माल्टोज इट इज़ अ डाइसेकेराइड, दैट मीन्स क्या है, ये एक ओलिगोसेकेराइड है। क्लियर आपको समझ में आया, अगर आप यहाँ 6 लेंगे या उसके बिलो संख्या लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मोनोसेकेराइड हो जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको उन मोनोसेकेराइड यूनिट का, चाहे आप फ्रक्टोज ले लीजिए, है ना, सुक्रोज ले लीजिए, देन ग्लूकोज ले लीजिए, गैलेक्टोज ले लीजिए, है ना, तो वहाँ पर वो फार्मूला किसका हो जाएगा, मोनोसेकेराइड का। क्लियर आपको समझ में आया, ये इतना समझ में, अब हम इसके बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइसेकेराइड का ही आपको फार्मूला आ गया, इसमें कैसे हम पुट करके वैल्यू निकालते हैं, है ना। अब ये किससे बना हुआ है, बेसिकली ये 2 monosaccharides which make bond with glycosidic, कौन सा बॉन्ड, जैसा कि मैं अभी ऊपर अपन ने डिस्कस किया ही है, ऑक्सीजन ब्रिज बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो जब 2 monosaccharides आपस में इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं, देन वाटर मॉलिक्यूल्स इलेमिनेट होता है, तो क्या बनता है, एक डाइसेकेराइड बनता है। इन डाइसेकेराइड में से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है उसमें हमारा माल्टोज। माल्टोज क्या होता है बेटा, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माल्ट शुगर, ठीक है। ये एक कॉमन शुगर है बेटा, बहुत ही इजीली हो जा मतलब सुक्रोज, अब सॉरी स्टार्च, आप जानते हैं कि प्लांट में जो खाना है, जो फूड है, वो किस रूप में स्टोर रहता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। स्टार्च के रूप में क्यों स्टोर रहता है, जब वो पॉलीसेकेराइड हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि स्टार्च के रूप में क्यों रहता है। ग्लूकोज भाई खाना बनता किस फॉर्म में, आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी है, उसमें मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, C6H12O6 और फिर उसके बाद क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं हम, तो ग्लूकोज बनता है जब खाने में, तो वो ग्लूकोज के रूप में ही क्यों स्टोर नहीं रहता प्लांट में, बिकॉज एक रीज़न जरूर बताना चाहूँगी मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, इसके साथ साथ में क्या है, ग्लूकोज एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस भी है ना, इसलिए ग्लूकोज के रूप में प्लांट्स जो है वो उसको स्टोर नहीं रखते। ग्लूकोज जो है वो कंडेंस होकर के क्या बना लेता है, एक पॉलीसेकेराइड बना लेता है, जिसे स्टार्च कहते हैं, क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च के रूप में फूड स्टोर रहता है, और जब नीड होती है तब उसका क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है वो, है ना, और वो सिंथेसिस होता है, हाइड्रोलाइज होता है, उसमें उसका हाइड्रोलिटिक डाइजेशन होता है, ठीक।
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू स्टार्च का जब डाइजेशन होता है, या यूँ कह लें कि स्टार्च का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तब तब क्या बनते हैं ये डाइसेक्रेट। क्योंकि बेसिकली पॉली, अब देखो जैसे मैंने कहा आपको मोनोसेक्राइड सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट स्टेप आई ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में मैंने क्या कहा, दो दो से नौ, नौ मोनोसेक्राइड तक बनते हैं जो आपस में जुड़ते हैं तो ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। उसकी थर्ड नेक्स्ट स्टेप है पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड मतलब ग्लूकोज जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट स्टेप है, खाना जो है वो वहाँ उस रूप में स्टोर नहीं रहता, थर्ड स्टेज में जाकर के स्टार्च के रूप में जाकर के स्टोर रहता है। अब जब नीड होती है तो स्टार्च जो है वो पहले किस स्टेप पे आएगा, ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड में, फिर डाइसेक्राइड से क्या बनेंगे, मोनोसेक्राइड, और फिर वो जो एनर्जी या जो भी नीड है प्लांट को वो कंप्लीट होगी। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? देखिए मान लीजिए ये एक मोनोसेक्राइड है ना ग्लूकोज, भाई मैं कह रही हूँ कि ग्लूकोज के रूप में खाना बना है प्लांट में। अब ग्लूकोज से क्या बनेगा, माल्टोज। माल्टोज क्या है, माल्टोज एक ओलिगोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज से पहले दो बनेंगे, दो जुड़ेंगे, फिर ये क्या हो गया, ये भाई ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल हो गया, ये मोनोसेक्राइड का हो गया। ठीक, अब मैं कह रही हूँ कि खाना किस रूप में रह रहा है स्टोर, स्टार्च के रूप में। ये क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। तो कहने का सेंस ये है कि खाना बना इस रूप में है लेकिन स्टोर किस रूप में हो रहा है, थर्ड स्टेप। ये पहली स्टेप हो गई हमारी, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड, खाना इस रूप में स्टोर रह रहा है। फिर जब भी प्लांट को नीड होती है तो एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसका हाइड्रोलाइज करते हैं और ये किसमें अगेन आता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। देन बेसिकली जो उसकी एनर्जी नीड की रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जो फूड से रिलेट ऑक्सीडाइज होने के बाद जो एनर्जी बनती है वो सब फिर यहाँ से फुलफिल होती है। बट खाना स्टोर किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में, और स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, फिलहाल हम ये इसके बारे में, पॉलीसेकेराइड के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आप जरूर देखिएगा, है ना। अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओलिगोसेकेराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओलिगोसेकेराइड में हम पढ़ रहे हैं वो है माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं बेटा, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर का, है ना। जो क्या होता है, इट्स ऑकरेंस हैज बीन रिपोर्टेड इन जर्मिनेटिंग सीरियल्स एंड माल्ट। ठीक है, ये जनरली कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जर्मिनेटिंग सीरियल्स, ठीक, में एंड माल्ट में बेसिकली ये पाया जाता है। ये एक कॉमन शुगर है, बेसिकली इसको यदि हमें फाइंड करना है, इसे प्राप्त करना है, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ अमाइलेज एंजाइम ऑन स्टार्च। ठीक है, स्टार्च पर जब अमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, है ना। लेकिन ये किस, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ एनिमल्स। अब स्वाभाविक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, जो प्लांट ईटिंग एनिमल है, है ना, प्लांट एनिमल्स जो हर्बीवोरस हैं, बेसिकली वो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। तो प्लांट में जो स्टार्च है वो उनका, स्टार्च का पाचन वहाँ पर कौन करता है, अमाइलेज एंजाइम करते हैं। स्टार्च का हाइड्रोलाइज अमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और फिर किस फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि भाई जब हम उसे नीड हो दिए तो स्टार्च से वापस क्या बनता है, ओलिगोसेकेराइड, फिर ओलिगोसेकेराइड से वापस मोनोसेकेराइड, है ना, स्मॉल यूनिट कन्वर्ट होती है। तो स्मॉल यूनिट में कन्वर्सेशन कब होगा, डाइजेशन इन एनिमल्स कब, एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, या एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं इन एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स। अब बेसिकली ये एक अबेंडेंट है, अबेंडेंटली ईजिली फाउंड हो जाता है ना, और स्वाभाविक हम देख रहे हैं कि किससे मिलता है हमें, स्टार्च से। प्लांट में से यदि हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसे निकालना है, इसे लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्च पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से क्या करना पड़ेगा, उसका हाइड्रेशन करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, तब हम माल्टो सुगर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है, बियर को बनाने में।
किस में किया जाता है, बियर बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पर यदि इसका फॉर्मेशन आप फार्मूला देखें तो मैंने क्या कहा कि डाइसेक्राइड है, क्या है ये डाई, मतलब यहाँ पर क्या मिलेंगे, दो मोनोसेक्राइड। तो कौन से मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं और वाटर इलेमिनेट होता है, जैसा बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, तो वाटर इलेमिनेट होने के बाद क्या बनता है, माल्टोस। अब आपको माल्टोस का फार्मूला यहाँ मैंने आपको बताया ही है ना कि कैसे आप निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला आपके पास है ही, ग्लूकोज को रिंग पैटर्न में कैसे लिखते हैं, देखिए ग्लूकोज को ऐसे लिखते हैं ना रिंग में, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। रिंग पैटर्न में हम ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब ग्लूकोज और एक और, क्योंकि क्या कहा हमने कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं आपस में, क्या मिल रहे हैं, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ना, मैंने क्या कहा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो यहाँ पर क्या होगा ग्लूकोज प्लस ये वापस वन टू थ्री ये फोर ये फाइव देन ये सिक्स, ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन सिखा रही हूँ बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एच ओ एच एच OH बेटा आप ये सब समझने के लिए है ना मेरा मोनोसेक्राइड वाला वीडियो जरूर देखें, तो आपको ये फार्मूले जो है वहाँ से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सेम एज इट इज हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे, आप नंबरिंग जरूर ध्यान रखें कि कहाँ पर किस कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि क्या हो रहा है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बंध रहे हैं और क्या बना रहे हैं, माल्टोज। और यहाँ से क्या इलिमिनेट हो रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल कहाँ से इलिमिनेट होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया, H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, HOH क्या बन गया, ऑक्सीजन ब्रिज बना, ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ है ना, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा और ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या है, इट इज़ अ माल्टोज, क्या है, माल्टोज। यहाँ पर कार्बन की संख्या जैसे मैंने बताई थी भाई सिक्स, तो ये रिंग में है सिक्स और ये सिक्स कितने हो गए, 12 है ना, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने निकल गए, हाइड्रोजन कितने निकल गए, 2। तो बेसिकली यहाँ पर 24 होना चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन कितने हैं, सिर्फ 22। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एक निकल गया है, तो 12 में से एक गया तो कितने बचे, 11। मतलब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C12। भाई कार्बन आप ग्लूकोज से बना सकते हो, देखो C6H12O6, हमने दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलाए, मतलब इसकी संख्या हमको कितनी करनी है, डबल। तो ये कितने हो गए, 12, ये कितना होना चाहिए, 24, और ये भी 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल निकल गए, मतलब यहाँ पर 24 में से कितने बचे, 22, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब कितने बचेगा यहाँ पर, 11। तो ये क्या हो गया, माल्टोज का फार्मूला हो गया, और इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फार्मेशन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होकर क्या बनाता है, माल्टोज। हमारा सेकंड जो डाइसेक्राइड है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है, सुक्रोज, इट इज़ अ केन शुगर,
ये केन शुगर या टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो हम शुगर यूज़ करते हैं है ना, वो शुगर यही है, इसीलिए इसे टेबल शुगर कहा है। इसको किससे फाउंड किया जाता है? बेसिकली जो है ये शुगर केन, क्योंकि शुगर केन से फाइंड किया है इसलिए इसको केन शुगर भी कहते हैं, है ना। बीट रूट, ठीक है, और भी अनदर जो है ये प्लांट के फ्रूट, सीड, फ्लावर, रूट आदि से भी इसको फाइंड किया जा सकता है। ठीक, तो ये क्या है? एक केन शुगर है, इट इज स्टोरेज प्रोडक्ट। ये भी प्लांट्स में, भाई शुगर केन प्लांट है या बीट रूट प्लांट है, उनमें ये इन पार्ट्स में है ना, इस पार्ट में क्या रहता है? स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ये स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में रहता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो सुक्रोज के रूप में इन प्लांट्स में स्टोर रहता है, जिसे हम केन शुगर या टेबल शुगर के रूप में क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, निकालते हैं उसमें से। ठीक है, तो क्या है ये? सुक्रोज। आया समझ में आपको? अब ये सुक्रोज जो है वो किससे मिलके बन रहा है? जैसे मैंने यहाँ बताया दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या मिल क्या बना था? माल्टोज। यहाँ पर एक ग्लूकोज है और एक क्या है? फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब यहाँ पर हम उसका भी देख लेते हैं कि किस तरह से उसके बीच बॉन्डिंग होगी। देखिए ये ग्लूकोज है, ये तो आपको पता चल गया है ना। अब यहाँ पर हमको क्या ड्रॉ करना है? एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का बेसिकली पेंटागन रिंग बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा बेटा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन डालें हम, यहाँ होगा नंबर कार्बन नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 और यहाँ पर 6, क्योंकि ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, पर इसकी रिंग जब फॉर्मेशन होता है तो वो कैसा होता है? पेंटागन होता है। क्लियर, समझ में आया आपको? अब यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 1 और 2 जो दो नंबर का कार्बन है ना, और यहाँ पर ये जो 1 नंबर का कार्बन है यहाँ पर बॉन्डिंग होगी और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इलेमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल इलेमिनेट हो जाएगा और फिर क्या बनेगा? सुक्रोज। इस तरह से ये जो बॉन्डिंग होती है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक। कौन सी बॉन्डिंग? ग्लाइकोसिडिक या ऑक्सीजन ब्रिज। ये किसका फार्मूला है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में क्या बनाता है आपस में मिलकर के? एक सुक्रोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग को भी नेम देंगे, तो यहाँ पर चूंकि नंबर ग्लूकोज का कार्बन नंबर क्या है? 1 और यहाँ पर 2, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या था? 1-4, क्योंकि एक नंबर कार्बन ग्लूकोज के किस कार्बन से जुड़ा था? नंबर 4 कार्बन से, है ना। यहाँ पर आपने देखा मैंने क्या करा था, यहाँ पर 1 नंबर कार्बन था और यहाँ पर ग्लूकोज अनदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उसका कौन सा कार्बन था? 4, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी उसका नाम होगा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बनेगा? माल्टोज। और यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या है? 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको है ना कि कैसे नंबरिंग कर रहे हैं हम, कैसे बॉन्डिंग का नाम भी हम यहां पर लिख रहे हैं। क्लियर,
अब जो है नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट डायसेक्राइड है वो है लैक्टोज। लैक्टोज का नाम तो आपने सुना होगा, जब भी हम मिल्क की बात करते हैं लैक्टोज का नाम आता ही है। तो मिल्क में जो घुली हुई शुगर है एक्चुअल में वो क्या है, वो लैक्टोज है। तो इट इज़ मिल्क शुगर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है। इट इज़ सिंथेसाइज इन मेमरी ग्लैंड, ठीक है। जो दूध प्रोडक्शन करने वाली जो ग्लैंड होती है हमें, है ना, वो मेमरी ग्लैंड में इसका सिंथेसिस होता है, इसका फॉर्मेशन वहां होता है। और इसका फॉर्मेशन किससे होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तब इसका फॉर्मेशन होगा। और यहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल इलेमिनेट होगा और इनके बीच में भी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो होगा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, सेम एज इसके जैसा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें होगा। और किसका फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। इट इज़ अ मिल्क शुगर। ये आपके इनके शॉर्ट नेम यदि याद रखेंगे बेटा तो कुछ एक पॉइंट आपको जनरली ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे केन शुगर, तो शुगर केन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसीलिए इसको केन शुगर कहा है। मिल्क में पाया जाता है इसलिए इसको मिल्क शुगर कहा है। बेसिकली ये अल्टीमेटली है क्या, सब ये शुगर ही है ना। अब ये हमने किसके बारे में पढ़ा, डायसेक्राइड के। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, काउंटिंग बढ़ती जाएगी। दो थे डाई, तीन हैं ट्राई, चार रहेंगे टेट्रा, पांच रहेंगे पेंटा। तो एक और मैं बेस्ट एग्जांपल ट्राइसेक्राइड में देना चाहूँगी, तीन मोनोसेक्राइड से बॉन्डिंग के द्वारा बना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेफिनोज। क्या है, रेफिनोज। ये भी फ्रूट फ्रूट सीड इनमें पाया जाता है प्लांट के, ठीक। अब बेसिकली ये जो हमने डायसेक्राइड पढ़ा या ट्राइसेक्राइड पढ़ा या ओलिगोसेक्राइड के बारे में पढ़ा, है ना, तो ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि बेटा ये जो सुक्रोज के बारे में हमने पढ़ा, सुक्रोज इज एन स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। सुक्रोज प्लांट में क्या होता है, स्टोर रहता है एक खाने के रूप में, है ना, या फूड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक। अब लैक्टोज इज द मेन फूड फॉर चिल्ड्रन। स्वाभाविक है मिल्क शुगर है, मिल्क में प्रेजेंट शुगर है, तो बेसिकली मिल्क जो है सबसे ज़्यादा कौन यूज करते हैं, बच्चे, है ना। तो चिल्ड्रंस के जो दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है, एक बीमार व्यक्ति को भी डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो लैक्टोज जो है वो मेन फूड हो गया किसका, चिल्ड्रन और पेशेंट्स का। सुक्रोज इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड बनाया जाता है उसका सिंथेसिस किया जाता है, वो भी किससे लिया जाता है, सुक्रोज से। अब प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप, जो ट्रांसपेरेंट सोप बनाए जाते हैं उनके प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, सुक्रोज का, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पर जब मैंने डाइसेक्राइड डिस्कस किया तो ये माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में यहाँ पर ज़रूर डिफाइन किया है, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट यूजेबल, है ना, क्या है, डाइसेक्राइड है, जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड के बारे में अच्छे से ध्यान रखिए। ट्राइसेक्राइड यहाँ रेफिनोज बेटा एग्जांपल लिख रखा है, टेट्रासेक्राइड भी होते हैं, पेंटासेक्राइड भी होते हैं, बट वो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो आप ये नाम जरूर याद रखिए कि ट्राइसेक्राइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेफिनोज है। तो इस तरह से हमने आज ओलिगोसेक्राइड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो पॉलीसेक्राइड पर रहेगा। थैंक यू।